नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली में कांग्रेस का नीतीश कुमार एपिसोड हो गया है। चौंकिए मत, जिस तरह विपक्ष का इंडिया गठबंधन पिछले साल जून जुलाई से नीतीश कुमार को विपक्ष के गठबंधन का चेहरा बनाकर मोदी को टक्कर देखने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन इस साल जनवरी में इंडिया गठबंधन के तत्कालीन सेनापति नीतीश कुमार ही बीजेपी के साथ चले गए। अब वही हाल दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के दम पर बीजेपी को टक्कर देने की सोच रही थी, लेकिन वही मुखिया लवली ही बागी हो गए हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ चुके हैं। बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर लवली का झटका कांग्रेस को कितना भारी पड़ सकता है, आइए देखते हैं। दिल्ली में बीजेपी की तैयारी देखिए। दिल्ली उत्तर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया नॉमिनेशन भरने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ दिल्ली बीजेपी के नेता रैली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है जो चुनाव के ठीक पहले आपसी लड़ाई में बुरी तरह उलझ गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने पार्टी संगठन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अरविंदर सिंह लवली ने बाहरी नेताओं के टिकट के अलावा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर भी सवाल उठाया है। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में कहा है, दिल्ली कांग्रेस उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। जिस आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, पार्टी ने उसी के साथ गठबंधन कर लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। वो अब पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अब दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन के अलावा अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि वो खुद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि वो इस वजह को खारिज कर रहे हैं। वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। शीला दीक्षित सरकार में उन्होंने कई बड़े मंत्रालय संभाले हैं। दिल्ली में उन्हें कांग्रेस का सरदार कहा जाता है, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर लवली की पार्टी से बगावत भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि रविवार को अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे का ऐलान होते ही उनके घर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया। कांग्रेस के कई नेता उन्हें मनाने पहुंचे। लवली की नाराजगी दूर नहीं हुई। वो इस बात से खफा है कि कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी दीपक बावरिया उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। कि और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है, तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूंगा। और आप, मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के एमएलए हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरिंदर शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत का मामू जी, कितने लोग, मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूं, सुबह से कार्यकर्ता मिले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। लवली जी, अभी बाबरिया जी ने बयान किया है और उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और हम नए अध्यक्ष पद का 1-2 दिन में चुनाव करेंगे।
हमारे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनका, अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो भी इलेक्शन में कहीं जाएंगे। चुनाव के बीच कांग्रेस की अंदरूनी कलह पार्टी को भारी पड़ सकती है। 2014 के बाद से दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार बेहद कमजोर हो गया है। 10 साल से दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से विपक्ष दिल्ली में खाता खोलने की संभावनाएं तलाश रहा था, लेकिन लवली के घटनाक्रम से इन संभावनाओं पर ब्रेक लग रहा है। दिल्ली कांग्रेस में अविश्वास का आलम यह है कि अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता उनके खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। उनके पुराने इतिहास को गिनाया जा रहा है जब वो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2019 में लवली ने फिर घर वापसी कर ली थी और तब से दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने में लगे थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के बयान सुनिए, आपको पार्टी के अंदर मची सिरफुटवल समझ में आ जाएगी। मैंने रीजन जानना चाहा कि क्यों रिजाइन किए, तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सारा रीजन भेज दिए हैं, तो आवर इंटरनल पार्टी मैटर है, हम लोग आपस में डिस्कस करके इसके बारे में बात करेंगे। बावजूद साहब को लेकर कोई नाराजगी थी आपको लगता है? मेरे उस बारे में कोई बात नहीं, मेरे को ये कहा कि मैंने जो भी लिखना था मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिख दिया है। इट वॉज सो शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई हैज ही रिजाइन, लेकिन उन्होंने कहा मैं पार्टी से रिजाइन नहीं किया, मैं सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिए क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने दिया। जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ उदित राजगी और कन्हैया कुमार कृष्णा, इससे भी नाराजगी नहीं हुई? नहीं, कोई ऐसी देखिए, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी हाईकमांड टू होम टू गिव टिकट होम नॉट टू गिव टिकट, लेकिन वो चीजें जब तक नहीं होती तब तक एवरीबडी हैज ए राइट टू आस्क फॉर द टिकट। एक बार टिकट अनाउंस हो जाए तो उसके बाद वो मैटर खत्म हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी है इंटरनल पार्टी मैटर है, हम लोग डिस्कस करेंगे। हाईकमान से मिलने जा रहे हैं। अगर लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आ जाते। अगर आपकी नियत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को मनाती। से सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हर्ष मल्होत्रा जी की जगह एक दो दिन में लवली जी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये मास्टरमाइंड जो है ये सुभाष चोपड़ा है। सुभाष चोपड़ा अभी आप बुला लीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। आप पार्टी में डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी मनमर्जी से डिसीजन नहीं चल सकती। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आला कमान की आंखें खुल जानी चाहिए। लवली दिल्ली में कांग्रेस के जनाधार वाले नेता रहे हैं, वो अपना दुख दर्द बयां कर ही रहे थे कि 4 घंटे के अंदर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि किसी के आने जाने से बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। अभी क्या स्टेटस है पार्टी की तरफ से? उनका इस्तीफा का कांग्रेस हाईकमान ने स्वीकार कर लिया है, इमीडिएट इफेक्ट से उसका स्वीकार हो गया है। सर, लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा कदम उठाना, क्या देखते हैं कितने चैलेंजेस आगे आने वाले हैं इस चीज को लेकर? देखिए, चैलेंजेस तो हर घड़ी हर पल कहीं ना कहीं से आती है, उसको कोई परवाह नहीं होती, कोई थोड़ी छोटी होती है कोई बड़ी होती है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली एकम के अध्यक्ष थे, उन्होंने दिया, तो हो सकता है थोड़ी बहुत चैलेंज हमारे सामने आएगी, मगर वो भी चैलेंज नहीं है कि जिसकी वजह से हम ठप हो जाए, हमारा काम रुक जाए, हमारे कैंडिडेट जो है हार जाए। ये एक नॉर्मल चैलेंज है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज का मामला जो होता है उसमें कहीं ना कहीं गैप फिलअप करने का मामला होता है। आरोप लगाया गया आपने कि आपके द्वारा फैसलों को कहीं ना कहीं काटा गया? हाँ, मैंने कहीं ना कहीं जगह पे उनको जरूर से रोका है, वो आरोप का मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि जो लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए वो प्रमोट हो रहे हैं और उसकी वजह से पार्टी के अन्य वर्करों पर उसकी बहुत ही गहरी जो है डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होने जा रही है। तो एक इंचार्ज के तौर पे मेरा वही कर्तव्य रहता है कि पार्टी का जो यूनिट होता है, जो तो स्टेट का, वो सही दिशा में जाता है कि नहीं जाता है वो देखता रहूं, और वो थोड़ा सा इधर उधर होता है तो उसको सही दिशा देता रहूं। दिल्ली कांग्रेस की उठापटक के बाद बीजेपी फूली नहीं समा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो तो पहले से ही कह रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बेमेल है। देखिए, जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये दो दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका जो शीर्ष नेतृत्व है अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि इनके दल मिले हैं दिल नहीं मिले, वो अब दिखाई दे रहा है।
दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या किसी और बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी का ये आलम है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार के प्रचार में बड़े नेता शामिल नहीं दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो अपनी ही परेशानियों से जूझ रही है। दिल्ली में ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनमें कई लोग कह रहे हैं कि स्थानीय लोग मौजूदा सांसदों से खुश नहीं हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बीजेपी सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी धरातल पर दिख रही है। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर बीजेपी ने अपने सभी मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस आक्रोश का भी फायदा उठाने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान का असर राजधानी दिल्ली ही नहीं, पड़ोसी हरियाणा और पंजाब की सीटों पर भी पड़ता है। राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन जैसे कांग्रेस के बड़े नेता दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं। लवली के इस्तीफे से अगर दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है तो इसके लिए कांग्रेस आला कमान भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। दिल्ली की सियासी उठापटक का अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए शेष भारत।